आज के वीडियो में बताने वाली हूँ हल षष्ठी हल छठ व्रत कब है 2023 में पूजा विधि। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुंज ऑफिशियल आवर योर चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे बेल आइकन से प्रेस जरूर कर ली ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। हल छठ 2023 में कब है? हर छठ 2023 में कब है? हर छठ 2023 डेट। हल छठ प्रतिवर्ष भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को किया जाता है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े बलराम की भी जयंती मनाई जाती है। प्राचीन किदवंतियों के अनुसार इसी तिथि को राजा जनक की पुत्री भगवान श्री राम की पत्नी माता सीता का भी जन्म हुआ था। मूसल बलराम जी का मुख्य शस्त्र है, इसीलिए इन्हें हलधर भी कहा जाता है। इस पर्व का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। हल छठ उब छठ भी कहते हैं। साल 2023 में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि 5 सितंबर दिन मंगलवार को हल छठ व्रत किया जाएगा। हर छठ 2023 में कब है? हिंदू पंचांग के अनुसार 2023 में हल षष्ठी व्रत 5 सितंबर 2023 दिन मंगलवार को हल छठ व्रत किया जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घ आयु और कुंवारी कन्याएं सुयोग्य वर की कामना के उद्देश्य से पूरा दिन खड़े रहकर व्रत करती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत करने वाली उपवासक पूरा दिन निर्जलाव्रत रखती हैं, वहीं रात्रि को चंद्रोदय के बाद ही जल ग्रहण करती हैं। मध्य प्रदेश के मालवा प्रांत में व्रत करने वाली कन्याओं को उनके मामा द्वारा जल ग्रहण करवाकर व्रत तुड़वाया जाता है। हल छठ व्रत 2023 का शुभ मुहूर्त। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि 5 सितंबर 2023 दिन मंगलवार को शाम 6:50 से लेकर ये तिथि अगले दिन यानी 6 सितंबर 2023 को रात्रि 8:55 तक रहेगी। हल षष्ठी के दिन व्रत करने वाली महिलाएं व कन्याओं को महुआ की दातून और महुआ खाने का विधान है। इस व्रत में हल से जोते हुए बागों और या खेतों के फल और अन्य खाना वर्जित माना गया है। इस दिन दूध घी सूखे मेवे लाल चावल आदि का सेवन किया जाता है। हल छठ व्रत पूजन विधि। हल छठ व्रत में हल से जोती हुई अनाज और सब्जियों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इस व्रत में वही चीज़ें खाई जाती है जो तालाब या मैदानों में पैदा होती है, जैसे तिन्नी का चावल, करमुआ का साग, पसही के चावल खाकर आदि। इस व्रत में गाय के किसी भी उत्पाद जैसे दूध दही गोबर आदि का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हल छठ व्रत में भैंस का दूध दही और घी का प्रयोग किया जाता है। इस व्रत के दिन घर या बाहर कहीं भी दीवार पर भैंस के गोबर से छठ माता का चित्र बनाते हैं, जिसके बाद गणेश और माता गौरी की पूजा करते हैं। महिलाएं घर में ही तालाब बनाकर उसमें झड़बेरी पलाश और कांसी के पेड़ लगाती हैं और वहां पर बैठकर पूजा अर्चना करती हैं, हल षष्ठी की कथा सुनती हैं, इसके बाद प्रणाम करके पूजा संपन्न करती हैं। कैसा लगा आप सभी को हमारा ये हल षष्ठी पूजा विधि? प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट।